नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह कुरुक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और सदस्यता अभियान को जल्द पूरा करने पर जोर दिया। सरदार निशान सिंह ने कहा कि दिल्ली में पार्टी चुनाव भाजपा के साथ लड़ेगी या अकेले, इसका फैसला 11 तारीख को दिल्ली चुनाव से संबंधित गठित एक कमेटी में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कमेटी का नेतृत्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला करेंगे। को मजबूत करने के लिए मेंबरशिप चल रही है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे कि गाय बगाए अपने साथियों से मुलाकात होती रहे, पार्टी की नई बात उनके सामने रखी जाए, मजबूत कैसे हो संगठन, इन सभी चीजों को लेकर के हम इकट्ठे होते हैं। तो आज भी उसी नजरिए को लेकर के इकट्ठे हुए हैं कि पार्टी को और कैसे मजबूत किया। दिल्ली में चुनाव होंगे, किस तरह से चुनाव लड़ेगी पार्टी, क्या भाजपा के साथ लड़ेगी? हमने 11 को मीटिंग रखी है 11 को दिल्ली में, और उसमें कमेटी भी गठित की है दुष्यंत जी ने, और उस कमेटी के मुखिया भी वो हैं, और बैठ करके चर्चा करेंगे। चुनाव अनाउंस हो चुका है कि किस तरीके से चुनाव को लड़ना है। आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है पूरे, उसमें काफ़ी असर देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे कर्मचारी खासतौर से? ठीक है, जैसे हम पहले बात करें, ग्रीवेंसेस तो हर व्यक्ति की होती है और सरकार ये तो देश लेवल पे है, लेकिन हरियाणा लेवल पे दुष्यंत जी का जो कोऑर्डिनेशन जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल वो मिलकर के करें। तो खासतौर से निजीकरण के विरोध में है कर्मचारी? नहीं, वो ठीक है, उनकी ग्रीवेंसेस सुन करके सरकार उन चीज़ों का हल करे। रामकुमार गौतम जी वाले मामले पे क्या रहा, वो चुप है आजकल, उनसे मुलाकात होगी या क्या रहा? हमारे परिवार के मेंबर हैं और बुजुर्ग भी हैं, दुष्यंत जी ने अपना वर्जन दिया था कि उनसे मिलेंगे, जो ग्रीवेंसेज उनकी होगी वो दूर करेंगे, तो परिवार के नजरिए से मिल करके सारी ये बातें हो रही है। अब कोई ऐसी बात नहीं आपके सामने, ऐसा कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद की रिपोर्ट। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।